Hi, I'm Kylie, just another Army vet. Welcome to another reaction video. Today, it is Amazon Prime's Pontiac, Season 1, Episode 3. Let's get to it. Ah, Sachiv ji, naya kursi. Haan, wo plastic ki chair mein dikkat hoti hai, der tak baithne. Phir padhna wadhna bhi rehta hai. Badhiya hai, badhiya hai. चक्का भी लगा है। प्रधान जी, आपका वाला कुर्सी में तो चक्का नहीं है ना? He's jealous. अभी परफेक्ट। चक्का लगा हुआ है, पर आगे पीछे भी करके देख लीजिए। सही। सर, प्लास्टिक को हटा दीजिए ना सर, कुर्सी का शो एकदम बिगड़ रहा है। अरे नहीं नहीं यार, प्लास्टिक नहीं हटाते, धूल बहुत आता है, एक हफ्ते में पूरा खराब हो जाएगा। हाँ ये बात भी है। ऑफिस के एकदम बड़का बॉस लग रहे हैं। कर ले कुछ काम, काम कर ले कुछ। हाँ प्रधान जी, अरे सर भाई क्या हुआ, कोई बात है? एक छोटा सा काम था। अब कल बारात आना है और आज फोन करके कह रहे हैं कि दूल्हा को अलग से रुकने के लिए कमरा चाहिए। क्यों भाई, उसे बारात के साथ स्कूल में ठहरने दिक्कत क्या है? अरे जिद है और का। जिद है भाई, परेशान मत होइए, हम करते हैं जुगाड़ कुछ। सारा सचिव जी। हाँ प्रधान जी। वो अपने परमेश्वर जी हैं ना? कौन परमेश्वर? अरे भाई वही जिनके बिटिया का कल बारात आने वाला है। हाँ हाँ। वो क्या है कि वो दूल्हा ने जिद पकड़ लिया है कि हम अलग से कमरा में ठहरेंगे। सबके साथ नहीं ठहरेंगे, अब बेचारे बहुत परेशान है कि अलग से कमरा कहाँ से लेके आए, तो बड़ा अच्छा रहता। तो हमसे कह दिया है कि वो पंचायत ऑफिस उसमें ठहरा देते हैं उसको। कहीं और देख लीजिए, मैं यहाँ परेशान हो जाऊंगा, पढ़ना वढ़ना भी रहता है, डिस्टर्ब होऊंगा ऐसे ही। कोई बात नहीं, ठीक है, हम समझते हैं। ठीक है, थैंक यू प्रधान जी। अरे मना नहीं किया, कह रहे हैं कोई दिक्कत है उनको। बुरा मत मानिएगा प्रधान जी, एक बात कहें आपसे, अब पंचायत ऑफिस से आपका पकड़ छूट रहा है, हैं? और ये सब वो चक्का वाला कुर्सी का असर है, उस पर बैठकर आदमी अपने आप को बड़ा समझने ही लगता। अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन लगता तो ऐसा ही है प्रधान जी, वरना सचिव कब से प्रधान का ऑर्डर टालने लगे हैं? एंड ही प्लांटेड द सीड इन हिज हेड। प्रधान जी को क्या हो गया है? हुआ कुछ नहीं है सर, प्रधान जी हमारे नेता आदमी, गांव समाज में व्यवहार बनाए रखने के लिए लोगों का मदद करते रहते हैं। तो खुद का बनाया ना व्यवहार। अरे सर वो क्या होता है ना सर, गांव देहात में कि किसी का शादी हो, विवाह हो, श्राद्ध हो, तो हर कोई अपने हिसाब से मदद करता है सर। सर गांव का यही रीति रिवाज है, कल्चर है यही। अब तू करता रहे रीति रिवाज, मैं इनका रिश्तेदार बैठा हूँ जो सब काम करता रहूँगा। ओ इस सब के लिए माफ़ी चाहेंगे सचिव जी। हाँ नहीं नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अरे विकास, हाँ यहाँ का काम खत्म होने के बाद ना तुम वो स्कूल वाला जनवासा में चले जाना। अरे आप भी तो खाली है ना सचिव जी? नहीं इनको अभी जाना है, फगोली बाजार जाना है इनको। हाँ बस अभी निकल ही रहा था, इमरजेंसी है वो, थोड़ा ये वाला इमरजेंसी लाइट बेचना है इनको। फगोली बाजार जाना है, कुछ और बहाना नहीं मिला तुझे? अभी क्या करूँगा मैं फगोली बाजार जाके? सर एक तो आपको हम काम से बचाएं, आपको थैंक यू बोलना चाहिए, तो उल्टे हमको डांट रहे हैं आप। फालतू का दूसरा काम देखे। आप लोग गाँव के बाहर वाले बगीचे में चले जाइए, थोड़ा दोपहर आराम कीजिएगा वहाँ, जैसे ही शाम हो बारात आए आप भी चले आइएगा। ऐसे कर मेरा वर्बल एबिलिटी वाला किताब देखे। किताब लेके कहाँ जा रहे हो? वो सचिव जी मंगवाए हैं। और वो तो बाजार जा रहे हैं, वहाँ किताब का क्या काम? इसको भी बेचना है। एक ही किताब बेचेंगे? नहीं नहीं सब किताब बेचना है, ये सब भी बेचना है। चाचा जी हम जाएं? हाँ जाओ। क्या
घी खत्म हो गया है। अरे तो किसी को फकोली बाजार भेज के मंगा लो। Clarify, butter, isn't that ghee? सचमुच जी, फकोली बाजार जा रहे हैं ना? जी। एक छोटा सा काम था। बबलू साहू की दुकान से 15 लीटर का एक बड़ा वाला घी का डिब्बा लेते आइएगा। ठीक है। घी का डिब्बा लेके यहाँ मत आइएगा, घर चले जाइएगा, वहाँ भी काम है ना छोटा मोटा, समझ रहे हैं? देखो विकास, बरातियों और घरातियों के लिए अलग अलग डिब्बा देना, ठीक है? बरातियों के लिए 7 मिठाई और घरातियों के लिए 5 मिठाई, ठीक है? हैं, ये डलवाना। अरे आराम से आराम, घी पकड़ो पकड़ो, एक छोटा सा काम था कि एक ट्यूबलाइट इधर, एक ट्यूबलाइट इधर और एक ट्यूबलाइट इधर, ऐसा लगेगा कि एकदम ट्यूबलाइट के घर में घुस रहा है। अच्छा सर, कि ट्यूबलाइट हरा लगाए सफेद लगाए? लगा दे जैसा लगाना है, हरा लगा दे। कि जो सीरीज लाइट लगाना है उसको ऐसे भुकभक 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 कराए? लगा दे जैसे लगाना है, मेरी बहन की शादी हो, लगा दे जैसे लगाना है। हेलो सचिव जी, हाँ परमेश्वर बोल रहे हैं, एक छोटा सा काम था। क्या तुमको भी लगता है कि चक्का वाला कुर्सी पर बैठने से आदमी बड़ा हो जाता है? प्रधान जी, हमको नहीं लगता कि सचिव जी के दिमाग में ऐसा कुछ है ना। एक काम का नहीं करते आप, चक्के वाला कुर्सी खुद खरीद लेते, हम दोनों बराबर हो जाएंगे। और बराबर के नहीं है ना, प्रधान प्रधान होता है, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे उसका कुर्सी हमेशा के लिए ही चला जाए। नहीं नहीं, गलत काम नहीं। किसका है? हाँ परेश भाई, चल चल चलो आगे, चल 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 आगे, What's going on with the rupees on his jacket? That's what I'm curious about. Sometimes at American weddings, you will once in a while see a bride who has a veil, and on the veil, they actually attach dollars to it. And it's something that I've not seen in a long time, but I think it still goes on. Sachin ji gaye na lene ke liye, aa rahe honge. Beta ye dekho dekho idhar khali. Are aaiye, chaliye dijiye sabko naasta dijiye bhai. Vikas. नाश्ता अभी 5-10 मिनट रुक के करेंगे। थक गए होंगे, असला लेके आए एकदम, पर आप भी आप करो, करो आराम से, तुम लोग आराम करो, हैं ये यहीं रहेंगे। नाश्ता वास्ते की जरूरत हो तो इनसे कह देना, किसी भी काम के लिए, लड़की के बड़े भाई के बराबर है, बहुत सज्जन आदमी, बहुत बेहतरीन एकदम। अब चलिए हम लोग चलते हैं, नाश्ता वास्ते यहीं पर रख दिए, मैं अंदर ही बैठा हूँ, कुछ काम हो तो बता देना। हां ठीक है ठीक है। So I thought guns were illegal in India. Maybe I'm wrong, but why does he have a gun exactly? I think I missed that part. अरे नहीं बाबा, परेशान नहीं हूँ, काम का ऐसे ही थोड़ा स्ट्रेस चल रहा है। सुनिए, थोड़ा नाश्ता लगवा देते, दो मिनट बैठो ना, आता हूँ। गजब बेइज्जती है, दूल्हा को नाश्ता के लिए कौन इंतजार कराता है? आने दो, देखते हैं। तो बाहर बैठ के करेंगे, बाहर। अरे रुक 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 रुक, तो 5 ही मिठाई है, हमारे भी शुड बी 7, 5 ही। तो स्कूल का जन्मासा में जो पैकेट बट रहा था सब में 7-7 पीस मिठाई था, हमारे में 5 ही है। अच्छा आप लोग रुको, मैं 2 मिनट में आया। अरे परमेश्वर जी, मुझे थोड़ी पता था बराती के पैकेट अलग हैं और घराती के अलग, आप किसी के हाथ भिजवा दो ना, कोई तो होगा। ठीक है, और जल्दी भिजवाओ वरना ये लोग मुंह लटका के बैठ जाएंगे। मतलब गजब खराब व्यवस्था है यार। नहीं बस बात हुई है, वो दूसरे वाले डब्बे भिजवा रहे हैं, थोड़ी देर बस वेट करो यार। इंतजार अगर करवाना ही था कम से कम ढंग का कुर्सी तो दे सकते थे ना बैठने के लिए। अंदर देखे थे मस्त चक्का वाला कुर्सी इनके पास। जब आपके पास अंदर बढ़िया वाला कुर्सी है तो फिर दूल्हा को बैठने के लिए प्लास्टिक का कुर्सी काहे के लिए दिया? आप मजाक कर रहा है क्या यहाँ पे? क्या ये चल रहा है और का? He's gonna tear the plastic off. That's what's gonna happen.
Why are they being so rude? कमलेश पन्नी फाड़ दे। अरे पन्नी मत हटाना उसे। क्या मतलब पन्नी मत फाड़ना? दिक्कत हो रही है बैठने में। क्या दिक्कत हो रहा है? फिर वही बात, अरे आवाज कर रहा है चर 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 वो। क्या हो गया, चर चर कर रहा है तो? पन्नी मत फाड़, उसका समझ में नहीं आ रहा कोई बात बोल रहा तुझे। परेशान कर रखा है, बारात का सामान नहीं है, पर्सनल सामान है। फाड़ना ही तो दहेज में जो मिल रहा है उसकी पन्नी हटाना। डायरी? Is it normal to have a dowry in India still? क्या 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 बोल के गया ये? Asshole बोला है कुछ मोबाइल में, मतलब दे। Is asshole not a common word that people know in India? Asshole मतलब गांड का छेद। पापा को बुला। शादी नहीं करना था तो पहले मना कर देते, अब बारात घर बुलाकर दूल्हे को गांड का छेद कोई कैसे बोल सकता है? मेरा बेटा क्या गांड के छेद जैसा दिखता है? बताइए। Yes. अरे मेरा वो मतलब नहीं था, आप मीनिंग तो देखो, उसमें पर्सन एरियस के नीचे बेवकूफ आदमी भी तो लिखा है। सचिव जी का वही मतलब था। पर महाराज कोई दूल्हे को बेवकूफ भी क्यों बुलाइएगा? मानते हैं नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कहा है कि सचिव जी बहुत मुंह फट आदमी है। अरे एक बार तो हमको भी बेवकूफ बोल दिए थे। कब? अरे चुप है। तो फिर आप क्या किए? बदले में हम भी उनको बेवकूफ बोल दिए। ठीक है, तो हमारा गणेश भी इनको बेवकूफ बोलेगा। बोल दो बेटा, बोल दो भाई, बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोल दो बेटा, बोल दे, बोल दो भाई, बोल दीजिए, बोल दीजिए। नहीं पापा, हम बेवकूफ नहीं, एसोल ही बोलेंगे। अरे कोई दिक्कत नहीं, बोल दीजिए और क्या है ना। बहुत बढ़िया, बोल दीजिए, बोल दो बेटा, बोल दो, बोल दो बेटा, बोल दो, बोल दो, जोर से बोल दे, खुल के बोल दे, बोल बोल बोल, एसोल अभिषेक जी एक नंबर का एसोल है, नीचे से ऊपर तक एसोल है, एसोल है, एसोल है। और खुश हो जा, चल चलो 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 बेटा। Is it normal to resolve disputes in India or maybe just in smaller villages like this? Because I don't think this would happen in the United States. Maybe a groom would call and complain, but this just seems really odd to me, just from an American perspective. So if someone wants to clarify, then I really appreciate it. Thank you. Okay, chalte hain. Ek minute papa, hum jayenge. लेकिन हमको इनका वो चक्का वाला कुल्फी भी चाहिए। And there it is. ये वाला? And he's gonna agree to it. That'll be his excuse. अब दूल्हे को आप ही रुलाए थे ना, मनाने के लिए इतना तो करना पड़ेगा। और लाज जी, मुझे बाजार जाके फिर से नई कुर्सी लानी पड़ेगी। अरे सचिव जी, हम इतना कठोर नहीं हैं, आपको नया कुर्सी नहीं खरीदना पड़ेगा, आप हमारा कुर्सी ले लीजिए, बहुत बढ़िया गद्दा है उसमें भी। प्रधान जी, अरे आप हमारा कुर्सी ले रहे हैं। प्रधान जी, फिर आप कहाँ बैठोगे? हम कहाँ बैठेंगे? अरे आप उनकी चिंता मत करिए, प्रधान जी अपने नई कुर्सी ले लेंगे, बहुत पैसा इनके पास, 150 बीघा खेत है, गैया है, बताइए। हाँ ठीक है ना सचिव जी, चलिए मामला खत्म। जमाना होता है, जब घर आती है तो सर के ऊपर आती है, उसके बाद फिर अपने ऊपर बिठाती है, नहीं तो जान ले लेती है। देखो सती जी, ठंडी बियर मिल रही, आइए। सर ये तो बिल्कुल आपके जैसा कुर्सी लाए हैं, नहीं मीट गिन यार। So I know that Indian and American culture is very different, but we do have some similarities, such as the welcoming of guests and also trying to be good guests as well. But obviously, as the secretary said, that the groom and his friends were just being assholes. Or at least, I'm assuming that that's what the Indian audience perceives that behavior as. Because in American eyes, I mean, that was just totally uncalled for. I couldn't believe just how demanding and hostile they were to the secretary for some unknown reason. So if someone wants to clarify that in the comments, I would appreciate it. And once the next episode is filmed, I'll put it right here.